गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम. वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास. टुडे वी विल लर्न अबाउट पोएम नंबर 4, द ब्रेव लिटिल काइट. इन द प्रीवियस पीरियड्स वी लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव. आई होप दैट वॉट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पीरियड वॉज अंडरस्टूड वेल बाय मी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर डी. ओपन पेज नंबर 37. ओके, प्लीज टेक योर पेंसिल्स एंड राइट सी डब्ल्यू डेट डे एंड ऑल्सो. ओके, सी डब्ल्यू एंड टूडेज डेट 25 सेप्टेम्बर 2020 एंड डे Friday. Okay, dear. Fill in the blanks with the right forms of adjectives given in the brackets. Adjective का जो right form है, हम लोगों को जो blanks दिए हैं उसमें fill up करना है. Okay. My grandpa is blank than my grandma. And your option is old. Okay. Old. It is adjective. मेरे ग्रैंडपा ये मेरे ग्रैंडमा से बहुत बड़े हैं. ओल्ड मतलब यहाँ पे हम लोग बड़ा मतलब बुजुर्ग बोलते हैं ना, जिसको एजेड है करके. ओके, जब भी कंपैरिजन होता है और दैन आता है, ओके, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है और जब दैन आता है तो वहाँ पर आप लोगों को ईआर लगाना है. ओके, इट मीन्स ओल्ड ईआर. ओके, ओल्डर. माय ग्रैंडपा इज ओल्डर देन माय ग्रैंडमा. ओके, देन नेक्स्ट, रवि इज द ब्लैंक रनर इन द रैली टीम. ओके, ऑप्शन है फास्ट. अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है और रवि बेस्ट है. ओके, रवि बेस्ट है रनिंग में, अंडरस्टूड. तो जब भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है किसी चीज़ में तो आप लोगों को वहाँ पे ईएसटी लगाना है, स्पेशली बिफोर एडजेक्टिव के आप लोगों को यहाँ पे द लिखा हुआ दिखाई देगा तो आपको हमेशा वहाँ पे ईएसटी या एसटी ये थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है आपको. ओके, अंडरस्टूड. और जब दोनों इसमें कंपैरिजन है तो आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, इट मीन्स ईआर नहीं तो फिर आर. ओके, अंडरस्टूड. सो रवि इज द फास्टेस्ट. ओके, रनर इन द रैली टीम. नेक्स्ट, शीतल इज इवन ब्लैंक देन अ टॉर्टाइज स्लो. शी हैजंट फिनिश हर वर्क एट. अब यहाँ पे शीतल का कंपैरिजन किसके साथ किया है? टॉर्टाइज के साथ. आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी कंपैरिजन होगा दो इसमें, दो थिंग्स में, दो प्लेस में, दो पर्सन में, या दो मतलब जो भी दो चीज़ों में आपका कंपैरिजन हो रहा है तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है. और जहाँ पे दैन दिया है स्पेशली, तो ये आपके मतलब इजी वे में बता रही हूँ कि दैन है तो आपको स्लो के लिए ईआर लगाना होगा. ओके, सेकंड फॉर्म यूज़ करना है मतलब स्लोअर. शीतल इज इवन स्लोअर दैन अ टॉर्टाइज. ओके, शी हैजंट फिनिश हर वर्क एट. मतलब शीतल टॉर्टाइज के कंपैरिजन में वो भी स्लोअर है. उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? टॉर्टाइज के साथ. ओके, आरव्स चीर वॉज ब्लैंक दैन ऑल आर शाउट्स व्हेन इंडिया वोन द क्रिकेट मैच. ओके, अब यहाँ पे अगेन कंपैरिजन आया है. ओके, और दैन भी आया है. ऑब्वियसली आप लोगों को अभी मैंने जब कहा है कि जब कंपैरिजन हो रहा है दैन आ रहा है तो आपको ईआर लगाना है, इट मीन्स सेकंड फॉर्म यूज़ करना है. ओके, दैन अंडरलाइन दैन देन राइट हियर लाउडर. ओके, नेक्स्ट, दिस चिल्ड्रंस आर रियली ब्लैंक स्मॉल. लेट्स हेल्प देम टू क्रॉस द रोड.
यहाँ पे ना कि कंपैरिजन है और ना ही एक स्पेशलिटी किसी के बारे में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपका सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, ER भी नहीं लगेगा और EST भी नहीं लगेगा। ओके, द नेक्स्ट, द 21st ऑफ जून इज द लॉन्ग डे ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया है और द है, ओके, बिफोर एडजेक्टिव द लिखा है, इसका मतलब है स्पेशल, उसका एक इम्पोर्टेंस बताया गया है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट आएगा EST और द के नीचे अंडरलाइन। ओके, माय स्कूल बैग इज ब्लैंक देन योर्स, देन अगेन देन, इट मीन्स कंपैरिजन एंड यू यूज सेकंड फॉर्म, इट मीन्स लाइट लाइटर। ओम इज द ब्लैंक बॉय इन द क्लास, ऑप्शन टॉल। ओके, द बिफोर एडजेक्टिव द, इसका मतलब है स्पेशल। ओके, थर्ड फॉर्म यूज टॉलेस्ट EST। ओके, द फॉक्स वॉज देन द क्रो, क्लेवर, देन कंपैरिजन, देन यूज सेकंड फॉर्म, इट मीन्स क्लेवरर, CLEVER, अगेन ER। ओके, क्लेवरर। सिल्क इज देन कॉटन, सॉफ्ट, देन अगेन कंपैरिजन, सो यूज सेकंड फॉर्म, सॉफ्ट, सॉफ्टर। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अगेन आई एक्सप्लेन इट, देन इट मीन्स दोनों चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है, इट मीन्स ER। ओके, देन द इट मीन्स स्पेशल कुछ है, एक सिंगल व्यक्ति का ही कुछ मतलब स्पेशलिटी बताई जाती है, तब आप लोगों को EST लगाना है, ST लगाना है, इट मीन्स थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ओके, बिफोर एडजेक्टिव अगर द लिखा है तो आप लोगों को वहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, कंपैरिजन में देन है तो ER। ओके, मतलब सेकंड फॉर्म। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग केयरफुली। ओके, योर टीचर विल रीड आउट व्हाट द काइट्स सेड टू ईच अदर, राइट बिग काइट और लिटिल काइट इन फ्रंट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। मैं आपको कुछ जो सेंटेंस बिग काइट के थ्रू या लिटिल काइट के थ्रू बोले गए हैं पोएम में, मैं आपको बोल के सुनाऊंगी और वो किसने कहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, आई नेवर कैन डू इट, व्हाट काइट सेड टू ईच अदर, किसने कहा है? ऑब्वियसली लिटिल काइट, मैं ये कभी नहीं कर सकती। ओके, लिटिल काइट। ओके, ट्राई, ओनली ट्राई, हु सेड दिस वर्ड? बिग काइट। ओके, आई एम अफ्रेड, आई शॉल फॉल, मैं बहुत डरी हुई हूँ और मैं गिर जाऊंगी, ठीक है? हु सेड दिस वर्ड? लिटिल काइट। वेल, गुड बाय, आई एम ऑफ, ओके, ठीक है मैं जाती हूँ, मेरा तो मूड ऑफ हो गया है। ओके, हु सेड दिस वर्ड? बिग काइट। ओ, हाउ हैप्पी आई एम, हु सेड दिस वर्ड? लिटिल काइट। ओके डियर, ओके, ओके, नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाइफ स्किल। ओके, इमेजिन यू आर टोल्ड टू वर्क ऑन अ क्लास प्रोजेक्ट, इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इट इज नाइस थिंग टू डू, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नेवर डन इट बिफोर, वॉट वुड यू डू? ओके, मतलब आपको इमेजिन करना है कि आपको कहा जा रहा है एक क्लास का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है? इट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट इज़ नाइस थिंग टू डू, मतलब आप जो करोगे वो अच्छा ही होगा,
इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, और जो आप करने वाले हो वो ऑलरेडी डिफ़िकल्ट भी है, मुश्किल भी है, बिकॉज यू हैव नेवर डन इट बिफोर, वॉट वुड यू डू, क्योंकि आपने उसके पहले वो कभी भी नहीं किया है जो आप करने जा रहे हो. ओके, सो टेक द राइट आंसर एंड पुट अक्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग आंसर. मतलब आप लोगों को जो राइट आंसर्स हैं उसको टिक करना है, और जो क्रॉस मतलब जो गलत है उसको आपको क्रॉस करना है. ओके, फर्स्ट आई वुड ट्राई टू डू इट बाय माई सेल्फ, मतलब मैं कोशिश करूँगा जो मुझे काम मिला है वो करने का. ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइट करना है. आई वुड आस्क माई क्लासमेट टू हेल्प मी, ठीक है, मैं अपने क्लासमेट से हेल्प करने के लिए बोलूँगा. ओके, ये भी राइट है. आई वुड आस्क माई पेरेंट्स टू टेल मी हाउ आई शुड डू इट एज इट इज़ समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर. मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगा कि मुझे आप हेल्प करो जो कि मैंने इसके पहले कभी नहीं किया है. ओके, ये भी राइट आंसर. आई वुड जस्ट नॉट डू इट, मैं ये कभी नहीं करूँगा, इट इज़ रॉन्ग. आई वुड आस्क माई टीचर फॉर सम हेल्प, मैं अपनी टीचर को भी हेल्प करने के लिए बोलूँगा, येस राइट आंसर. आई वुड गो टू द लाइब्रेरी एंड आस्क द लाइब्रेरियन टू हेल्प मी टू फाइंड आउट हाउ टू वर्क ऑन अ सच अ प्रोजेक्ट. मैं लाइब्रेरी जाऊँगा और लाइब्रेरियन से पूछूँगा और मैं उनसे हेल्प मांगूँगा जो कि मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ फाइंड आउट करना है. ओके, येस राइट आंसर. देन नेक्स्ट आई वुड जस्ट मेक माई पेरेंट्स और एल्डर ब्रदर और अ सिस्टर कंप्लीट इट फॉर मी. मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई को, अपनी बहन को ही बोलूँगा कंप्लीट करने के लिए, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपको सभी की हेल्प लेना है. सो हियर रॉन्ग आंसर. ओके, सो हियर रॉन्ग आंसर. ओके, आई वुड गो टू अ शॉप डैट सेल्स प्रोजेक्ट एंड जस्ट आस्क मॉम टू बाय इट फॉर मी. मैं शॉप में जाऊँगा प्रोजेक्ट्स खरीदने के लिए, प्रोजेक्ट्स खरीदने के लिए, और मम्मी को बोलूँगा कि वो मुझे खरीद कर दे. ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि आपको जो प्रोजेक्ट्स मिला है वो आपको बनाना है, ना कि खरीदना है. ओके, तो आपको उसको तैयार करना है, मम्मी पापा, आपकी बड़े भाई बहन जो भी है, या टीचर है, लाइब्रेरी है, सभी की हेल्प लेके आपको वो प्रोजेक्ट बनाना है. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, आई हैव प्रोवाइडेड यू PDF ऑफ आंसर शीट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड राइट इन योर कॉपी. ओके ओके, हियर इज़ योर क्लास वर्क. ओके डियर, एंड योर होमवर्क इज़ राइट इन कॉपी. ओके, राइट इन योर कॉपी, इन इंग्लिश कॉपी. ओके, अंडरस्टूड? दिस इज़ द होमवर्क. ओके ओके, बाय बेटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.